मेरे पास जो पहले वाला मॉड्यूल है ठीक उसी का ये भाई लग रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप एक मॉड्यूल देख सकते हैं ये ट्रॉली का मॉड्यूल है और ये आजकल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। तो ये बड़ा वाला मॉड्यूल है जिसमें माइक और इको का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन एक और मॉड्यूल आता है जो कि कुछ इस प्रकार से आता है। तो इसमें क्या है कि दोनों में जो है किसी भी प्रकार का केस नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी बॉक्स में ट्रॉली ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हो तो उसमें केस नहीं होने के कारण आप इसको अच्छा से फिक्स नहीं कर पाते हो। जैसे मेरे पास एक और ट्रॉली मॉड्यूल है जिसको मैंने banggood.com से मंगाया था, जो कि अब इंडिया में शिपिंग नहीं करता है। तो जब शिपिंग हुआ करता था वहाँ से ये मैंने लिया था। तो इसके साथ क्या है कि ये ट्रॉली मॉड्यूल है और इसमें केस भी दिया गया है। अगर आप इसको किसी अच्छे स्पीकर के साथ जो है एक बॉक्स बनाकर फिट करना चाहो तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। और इंडिया में एक इसी को कॉपी करके जो है बनाया गया है जिसमें आपको केस नहीं मिलता है। तो ये तो बड़ा वाला मॉड्यूल है और ये छोटा वाला मॉड्यूल है। तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ क्योंकि आज हम इस बड़े वाले ट्रॉली मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मार्केट में आपको जो है बिल्कुल ओपन इसी प्रकार से मिलेगा। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए किसी कंपनी ने जो है इसके केस पर फोकस किया कि इस ट्रॉली मॉड्यूल का भी केस आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है और इसका प्राइस क्या है आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो ये जो आप केस देख सकते हो ये प्लास्टिक का है, ये कोई मेटल का नहीं है। मेरे पास जो आया हुआ था ये मेटल का है और यहाँ पे जो केस है ये प्लास्टिक का है। चाहे जो भी मेटल हो आखिर इसका केस मिल तो गया। और इसके साथ जो है कुछ नॉब और यहाँ पे बटन के लिए जो है कवर मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसके साथ। तो जब आप इस केस को परचेस करते हो तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले का ये कवर मिल जाता है, उसके बाद तीन नॉब मिल जाता है और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट जो है बटन मिल जाता है। क्योंकि बटन के पास जो है छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं तो उसी एलईडी का जो रोशनी है इस पे आता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आपको जो है फिक्स करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये ट्रॉली का जो केस है दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इस मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, लेकिन इस केस के आ जाने से आप लोग इसको ज़रूर परचेस करोगे। तो आइए देर ना करते हुए इसको हम असेंबल करते हैं। तो ये जो डिस्प्ले वाला मिलता है इसको आपको सिंपली यहाँ पे लगा देना है, इस प्रकार से इस प्लास्टिक को लगा के आपको जो है सोल्डरिंग आयरन से इसको ब्लॉक कर देना है ताकि ये फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक साइड ही इसमें दिया गया है, एक साइड नहीं दिया गया है। तो मैं इसमें एक साइड जो है टेप लगा लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। आप चाहे तो इसमें फेविक्विक से इसको ब्लॉक कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से इसका जो है डिस्प्ले का ये प्लास्टिक लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बटन है इसके लिए आपको डायरेक्ट इसको यहाँ पे इस प्रकार से रख देना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लगाकर और इसको लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस पोटेंशियोमीटर का जो नट है तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि प्लास्टिक का है, अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो ये टूट भी सकता है। तो आप इसको हल्के से टाइट करें। तो यहाँ पे मैंने नट को लगा दिया है। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर को क्या करना है कि आप सीधे लगा दें इस प्रकार से। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये तीनों एक जैसा है तो आप किसी को किसी में भी लगा सकते हैं। इसको इस प्रकार से थोड़ा प्रेस करना होगा ज़्यादा दबाकर। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें जो है मैंने नॉब को लगा दिया है और ये बहुत अच्छे तरीका से फिक्स हो गया है। और बाकी डिस्प्ले को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि डिस्प्ले जो है इसके सामने अभी नहीं आया हुआ है। तो आप डिस्प्ले को बहुत अच्छे तरीका से जो है आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले का जो लेग है थोड़ा बड़ा है। तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। ध्यान रहे कि डिस्प्ले का कोई सा भी पिन ना टूटे। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले को फिक्स कर दिया है और ये आईआर सेंसर को भी जो है आपको इसी के पास में रखना है क्योंकि आप रिमोट जब यूज करोगे तो ये जल्दी से काम करेगा।
तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना अच्छा ये लग रहा है। मेरे पास जो पहले वाला मॉड्यूल है ठीक उसी का ये भाई लग रहा है। और यहाँ पे जो एक छोटा सा मॉड्यूल देख सकते हैं ट्रॉली का, इसका भी अगर केस आता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और इसका लिंक भी ज़रूर दे दूंगा ताकि आप लोग परचेस कर सकें। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसका ये बॉडी मिल जाने के कारण। तो आइए मैं एक बार जो है इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्लस वाले सॉकेट में बैटरी को यूज कर लेना है। ये दो बैटरी का है तो आप दोनों में से कोई सा भी सॉकेट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने बैटरी को लगा दिया है और ये अभी एफएम मोड पे है। मैं इसमें स्पीकर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दो सॉकेट है, जो एक स्पीकर है और एक एलईडी के लिए है। तो मैं स्पीकर वाले पे लगा देता हूँ। ये रहा मेरा स्पीकर जो कि 4 इंच का है। आप चाहे इस पर 8 इंच का भी यूज कर सकते हो, 10 से 15 वाट का स्पीकर। तो ये अभी हमारा एफएम मोड पे है। The Bluetooth device is ready to pair. ये ब्लूटूथ मोड है। FM tuner. मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हल्का USB के साइड में जो है थोड़ा ये प्रिंट इसमें नहीं सही से जा रहा है, तो हो सकता है तो ये दिक्कत करे, लेकिन यहाँ पे ये लग जाना चाहिए। यहाँ पे लग गया है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोड ले रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी सॉन्ग नहीं बजा सकता क्योंकि कॉपीराइट जो है बहुत जल्दी ही मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दो पोटेंशियोमीटर है, ये जब आप इसमें माइक यूज करोगे तब ये इको काम करेगा और माइक का मेन वॉल्यूम ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें। बाकी और डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।